तो इनोवेशन की बात मैं करता रहता हूँ और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी, जैसे ओप्पो की तरह से पॉपअप डिस्प्ले आने वाला है और शाओमी का इनफाइनाइट डिस्प्ले और वन प्लस 60 में विंडोज 10 को इंस्टॉल किया गया, इस तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। लेकिन इस बार जो है इनोवेशन की हद ही पार हो चुकी है, क्योंकि शाओमी और ओप्पो की तरफ से जो है अंडर कैमरा डिस्प्ले जो है निकाला गया है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का जो है उन्होंने शोकेस किया गया है। तो भाई कल के दिन ही सबसे पहले ओप्पो ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें जो उनका कैमरा है वो डिस्प्ले के अंदर ही है। तो उसके बाद कुछ ही देर बाद शाओमी की तरफ से भी जो है एक वीडियो रिलीज की गई, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम, कि भाई डिस्प्ले के अंदर ही कि हमें कैमरा देखने को मिला जिसको अंडर कैमरा डिस्प्ले बोला गया है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो सामने निकल के बाहर आ चुकी है और कुछ ही दिनों बाद हमें इस तरीके के फोन इन दोनों कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल जाएंगे। तो भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे जो फोन ब्रांड्स है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, एप्पल हो या फिर कोई भी चाइनीज ब्रांड हो, सब अपने फोन के स्क्रीन साइज को बड़ा करने में लगा हुआ है। लाइक तो उनको जो स्क्रीन साइज है वो बड़ा चाहिए, तो इसके लिए वो लोग नॉचेस निकाल रहे हैं और ड्यू ड्रॉप नॉचेस निकाल रहे हैं और कैमरा स्लाइडर वगैरह निकाल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लगे पड़े हुए कि भाई हमें कैमरा जो स्क्रीन है वो पूरी दिखनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब जो चीज़ें अभी आ रही थी वो परफेक्ट नहीं थी, लाइक 90% तक थी। लेकिन क्योंकि अगर आप नॉच देखते हैं तो उसमें भी आपको स्क्रीन का जो साइज है वो पूरा नहीं मिलता है। अगर आप जो मोटराइज स्लाइडर देखने को मिलता है तो वो भी उतना रिलायबल नहीं है, भाई मोटराइज है कभी ना कभी तो ख़राब होगा ही। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो जो डिसएडवांटेज बन रही थी, इस वजह से इतना बड़ा इनोवेशन जो है इन दोनों कंपनीज़ ने किया है। और आई एम प्रिटी डैम श्योर कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है सैमसंग और एप्पल्स भी इसको ग्रैब करेगी और ऐसे कैमराज निकालेगी। आई थिंक उन्होंने काम चालू कर दिया होगा, लेकिन शाओमी और ओप्पो जो है इस जो चाइनीज़ ब्रांड होती है स्पेशली वो शोकेस करने में सबसे नंबर वन की होती है, तो वो लोग बता देते कि भाई हम लोगों ने करके दिखा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये कैमरा किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये जो कैमरा है वो डिस्प्ले के अंदर ही है। तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई किसी भी कैमरा, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लाइट। तो भाई अगर जितनी प्रॉपर लाइट हमें उस कैमरे को मिलेगी या हम उसको देंगे, उतनी अच्छी हमें क्वालिटी की इमेज जो है वो हमें निकाल के देगा। तो भाई जो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जैसे ही फ्रंट कैमरा ऑन होता है आपको ऊपर की तरफ से एक ब्लैक बार जो है दिख जाता है, उस ब्लैक बार के पीछे ही कैमरा लगा हुआ है जो फ्रंट कैमरा है। तो भाई ब्लैक बार जो है वो एक ट्रांसपेरेंट बार देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो एक सोर्स होता है, लाइक जो कैमरा सोर्स होता है, उस पर्टिकुलर सोर्स को बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट उन्होंने बनाया है, जिसके कारण जो पूरी लाइट का फोकस है उस सोर्स पे जाता है और वो लाइट को ऑब्जर्व करके हमें बहुत बढ़िया सी इमेज देगा। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो रिफ्लेक्शन हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे मिलेगा, लाइट की जो ऑब्जर्व करने की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ऑब्जर्व करेगा और हमें क्रिस्प जो है इमेज देखने को मिलेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इस तरीके से काम करेगी। तो भाई सबसे पहले जो शाओमी ने ऐसा कह दिया है कि जो ओप्पो की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी अलग है और हमारी टेक्नोलॉजी है वो अलग है, दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई है। तो ये बात जो है दोनों कंपनीज की तरफ से क्लियर हो चुकी है। तो हमें दो तरीके की टेक्नोलॉजी इस एक मतलब लाइक अगर हम बात करें ओवरऑल तो एक ही सेंस है कि लाइक डिस्प्ले के अंदर कैमरा मिलता है, लेकिन दो अलग अलग टेक्नोलॉजी की, एक जो है शाओमी अलग तरीके से करेगा और ओप्पो अलग तरीके से करेगा, उस सब के बारे में जब फोन्स आ जाएंगे उसके बाद हमें और भी डिटेल में पता पड़ जाएगा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है लाइक ये इनोवेशन मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। आई होप आप लोगों के लिए भी जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ही होने वाली है। तो अब देखना है कि जब ये फ़ोन आ जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने ऐसा सुना है कि MI मिक्स जो नेक्स्ट मिक्स होने वाला है उसमें जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है। तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कैमरे के अभी जो कैमरे होते हैं उसके ऊपर हमें ज़्यादा थिक जो है स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, लाइक उसमें हल्का सा एक मिरर वाली फिल्म होती है जिसके कारण हमें क्रिस्प इमेज देखने को मिलती है। लेकिन अब जो ये डिस्प्ले होने वाले हैं उसके ऊपर एक पूरी आपको थिक डिस्प्ले मिलेगा, जिसके कारण जो है इसका कैमरा किस तरीके का होने वाला है वो सब जो बातें हैं वो जब ये फ़ोन आ जाएगा तभी हमें पता पड़ जाएगा। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऐसे फ़ोन्स को देखने के लिए लाइव, कि भाई कैसे बिना कैमरे के लाइक स्क्रीन में कैमरा लगा दिया है तो इसकी कैसे क्या जो है इमेज क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।